फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है पूजा और आज के इस ब्लॉग में हमने विजिट किया है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट पब्लिक एक्वेरियम मरीन वर्ल्ड को, जो कि केरल में चावक्काड में सिचुएटेड है। हम बाइक के थ्रू गए थे। हमें त्रिशूर से चावक्काड जाने के लिए लगभग एक घंटे का समय लग गया। मरीन वर्ल्ड आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। अब आपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। आप अकेले भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बेस्ट जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए, हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। ये उसका बैक का व्यू है मरीन वर्ल्ड का। यहाँ से हमें सीधे जाना है। बहुत से वैरायटी के फिशेस आपको दिखेंगे यहाँ पर। बहुत ही अच्छा वैरायटी का आपको एक्वेरियम दिखेगा, जो कि बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। और प्लस यहाँ पर अंडर वाटर एक्वेरियम भी है। अंडर वाटर एक्वेरियम भी आप जो है विजिट करके वहां का भी जो है फन एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, हम पहुंच गए मरीन वर्ल्ड। यहाँ पर आप जो है पे एंड पार्क अवेलेबल है। आप अपनी बाइक या कार पे करके पार्क कर सकते हैं। ये हम एंटर कर दिए हैं। और ये देखिए, लेफ्ट में जो है चिल्ड्रंस पार्क है। चिल्ड्रंस पार्क के लिए भी आपको एक अलग से टिकट लेनी होगी। और राइट में आप देख सकते हैं 16D सिनेमा और बम्पर कार्स है, इसके लिए भी आपको अलग से टिकट लेनी है। रेस्टोरेंट भी था वहां पर। एक्वेरियम के टिकट के लिए हमें सीधा जाना है। वी लव मरीन वर्ल्ड। ये टिकट के लिए लाइन लगी थी। टिकट की जो फीस है ऑनलाइन में 350 दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर हमें मालूम पड़ा कि वो 400 है 10 टू 60 इयर्स के लिए, और सीनियर सिटीजन यानी कि अबो 60 इयर्स के लिए 350 रुपीस और बच्चों के लिए 280 रुपीस। यहाँ पर वॉशरूम अवेलेबल है, आप फ्रेश हो सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। प्लस यहाँ पर प्रेयर रूम भी है। और ये अगर आप टिकट ले रहे हैं, आपके साथ में फैमिली है, तो वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं। चलिए हम एंटर करते हैं। टिकट आपको चेक कराना होगा। ये देखिए, सिक्योरिटी गार्ड ने हमें चेक कर दे दिए टिकट। वाओ, चलिए एक्सप्लोर करते हैं अब हमें मरीन वर्ल्ड। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट में जो कार बनी थी वो पूरा एक्वेरियम ही है। बहुत से कलरफुल फिशेस हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है ये। एक तरीके से जो इसके अंदर का जो इंटीरियर है एक्वेरियम के, वो एक तरीके से एक सिविलाइजेशन का सीनरी दिया हुआ है इन्होंने। एक्वेरियम के फिशेस के जो है नाम लिखे हैं यहाँ पर, उनका लाइफ स्पैन क्या है, नेटिव क्या है, साइज क्या है, टाइप क्या है और डाइट क्या है।
यहाँ तक कि डाइट क्या है वो भी मेंशन किया है। आप आए तो हैं एक्सप्लोर करने के लिए फिश एक्वेरियम, तो एक बार जरूर ये नाम पढ़ लें फिशेस का, तो आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि ये कौन सा फिश है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अंदर बहुत ही अच्छे से सुंदर सुंदर एक डिजाइन्स बनाई हुए है, सीनरी बनाई हुई है एक्वेरियम के अंदर। पहले हमने देखा कि वो सिविलाइजेशन का जो है व्यू था, सीनरी था एक्वेरियम के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि ये प्लांट फॉरेस्ट नेचर के अकॉर्डिंगली जो है सीनरी दी गई है ये सेक्शन में। ये प्लैटिनम गार था, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था सामने से। तो पर हमें शूज निकालने के लिए कहा और शूज को हाथ में पकड़कर हमें चलना था। स्टेयर्स से हम चढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहां पर ग्लास है, ग्लास के नीचे एक्वेरियम बना हुआ है। फिश आपको देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। वहाँ पे तो बच्चे थे, बच्चे जो है डर रहे थे वो ग्लास के ऊपर से आने के लिए। एक तो ग्लास है और ऊपर से नीचे फिश दिख रही है, तो बच्चों को तो डर लग रहा था। ये देखिए एक बच्ची डर रही है। यहाँ पर आए तो आप इसके ऊपर जरूर एक बार आइएगा। इसके आगे जो है फिश स्पा, आपने सुना ही होगा मरीन वर्ल्ड के अंदर आप फिश स्पा कर सकते हैं, जो कि फ्री है, टिकट में ही जो है फीस उसकी इंक्लूडेड है। बहुत से लोग बैठे हुए थे फिश स्पा के लिए। आप वहां पे शूज निकाल कर कितने भी देर के लिए बैठ सकते हैं अंदर पानी के अंदर, ऐसे कुछ टाइम लिमिट नहीं है। और बहुत से वहां पे ऐसे फाउंटेन्स के बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन बने थे। ये देखिए आप, हॉट स्प्रिंग फाउंटेन टाइप बना हुआ है ये। और बहुत से एक्वेरियम जो हम घर में रखते हैं ना फिशेस, उसके बहुत से टाइप्स वहां पे थे। जेली कैट फिश थी, अपना अपने में मस्त थी वो एक जगह पे बैठी हुई। और हाँ, आप स्नैक्स खरीद सकते हैं वहां पर, स्नैक का ये एक तरीके से शॉप बना हुआ है।
आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर ही अगर आपको कुछ स्नैक्स खाना है तो यहाँ पर ही आप खरीद कर स्नैक्स या फिर ड्रिंक पी सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जो है नो स्नैक्स और ड्रिंक्स अलाउड नहीं है। बेस्ट पार्ट था यहाँ पर। यहाँ इधर जो है आपको नीचे से जाना है, नीचे से जाकर आप अंदर खड़े हो सकते हैं। अक्वेरियम आजू बाजू आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा कि आप फिश अक्वेरियम के अंदर हैं, और आप ऑफ कोर्स खड़े होकर वहां पर वीडियो ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। नीचे से ही आपको जाना है, नीचे से ही आना है। अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आप इसके अंदर जाकर एक्सपीरियंस करिए इसको। ये यहाँ का पूरा व्यू, ये इस पार्ट का पूरा व्यू है, यहाँ से आपको दिख रहा है। ब्यूटीफुल मरीन वर्ल्ड, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग का ही पार्ट था, आगे और भी हमें एक्सप्लोर करना है। आगे का वीडियो जो है हम सेकंड पार्ट में अपलोड करेंगे, उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपको मरीन वर्ल्ड कैसा लगा देखने में वो आप जरूर कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मरीन वर्ल्ड के सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।